हेलो व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, सो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। हाउ इज एवरीवन डूइंग, कैसे हैं आप सब। यस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, जल्दी से बताइए बताइए जी बताइए। हाउ इज एवरीवन डूइंग। ग्रेट सर ग्रेट, ऑल गुड सब बढ़िया सब बढ़िया सर सब बढ़िया, शाबाश, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बज जा के बोल, क्या बोल भैया, ऑल इज वेल, सब एकदम चंगा सी। तो मैंने कहा चंगा सी के हिसाब से तो हमने बात करी थी दो एसेज की। चंगा सी से याद आया दो एसेज की बात जो हमने कल करी थी सर। सबसे पहले किया 250 250। एक बात बताओ, हमने लॉज एंड रेगुलेशंस की बात क्यों करी। हमने 250 में लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करी क्योंकि कंपनी फ्रॉड कर रही थी। जब भी कोई फ्रॉड करता है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब मार्केट में लॉज एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो अगर कल को आप फ्रॉड करोगे तो लीगल अथॉरिटीज आपको नहीं छोड़ेंगी। तो याद रखना 240 में फ्रॉड है तो 250 में लॉज एंड रेगुलेशंस भी हमको समझ के चलना है। फ्रॉड के बाद लॉ की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं समझ आती है। सो कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आती है सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का काम था टू इंश्योर कि कोई भी नॉन कंप्लायंस ना हो, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि कंप्लायंस हो। तो जो आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन था सर लिस्टेड एंटिटी का, जिसमें एक सीएफओ अपॉइंट होता है, ठीक है, वो सीएफओ को भी क्या इंश्योर करना है कि उसको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं ताकि उसकी जो एंटिटी है वो कंप्लाई करके चले विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो मैंने कहा क्या पॉलिसी बनाएगा, सबसे पहले तो मॉनिटर करेगा कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है एंटिटी की एंड प्रॉपरली एंटिटी उन सबसे कंप्लाई कर रही है। अकेली मैनेजमेंट थक जाएगी, अकेली मैनेजमेंट थक जाएगी। तो मैंने कहा इसके इसका साथी बनना पड़ेगा सर। साथी कौन बनेगा, इंटरनल कंट्रोल। इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा एक प्रॉपर कंट्रोल। प्लट कंट्रोल तो बड़ा जनरलाइज टर्म हो गया, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। दे नीड टू डेवलप they need to develop and publicize and make people follow a code of conduct. But remember, वो जो code of conduct है उसकी employees को भी proper understanding होनी चाहिए। तो आपको employees को train करना पड़ेगा so that they understand the code of conduct. अब सर एक बार उनको understanding आ गई है तो अब आप monitor करो whether they are complying with the code of conduct. जब जब monitor आता है सर, monitor आते वक्त अपन क्या करते हैं जल्दी से बताओ। जब जब मॉनिटर आते हैं तो अपन क्या करते हैं सर, एक और जुगाड़ लगाते हैं। इस बार हमारी मदद करने आया एक लीगल एडवाइजर, उसने पूछा कौन कौन से लॉज है, तो मैंने रजिस्टर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस शेयर किया। अब सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने कहा दो तरफा है, एक तरफा कुछ नहीं होता, दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो तरफा मीन्स दो तरह के लॉज है। पहला लॉ जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है सर, डायरेक्ट इफेक्ट वाले मतलब कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जैसे कि ईपीएफ एक्ट हो गया, ईएसआई हो गया, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट आता है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो इन सब के लिए तो हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, इतनी सी बात हमने सीखी थी। बाकी जो लॉज एंड रेगुलेशन है दुनिया भर के, जहान के 50 करोड़ लॉज, जो भी इतने सारे लॉज है, हम कितने लॉ गिनने बैठेंगे, इन सब की कंप्लायंस चेक करने नहीं जाएगा ऑडिटर। इन सब की नॉन कंप्लायंस से फर्क पड़ता है सर। नॉन कंप्लायंस से क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि नॉन कंप्लायंस होगी तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, उस वजह से हमको फर्क पड़ता है। तो हमको इनकी नॉन कंप्लायंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई 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 सोना सोन परी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। सर आई आई का क्या मतलब था, इंक्वायरी इंस्पेक्शन। आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो, आप मैनेजमेंट से इंस्पेक्शन करते हो, प्लस थ्रू आउट द ऑडिट यू नीड टू स्टे अलर्ट। आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलनी है। यहीं पे हमारे पास ऐसे का फ्लो आ गया था। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी के लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, फिर चेक करो कि वो कैसे कंप्लाई कर रही है विद दैट फ्रेमवर्क, फिर हम लेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस उन लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फिर हमने नॉन कंप्लायंस चेक करने के लिए किया आईआई, उसके साथ हम अलर्ट रहे, एंड आखिरी में लिया हलवा प्रसाद, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो भी नॉन कंप्लायंस थी उसको मैनेजमेंट ने हमको डिस्क्लोज कर दिया है। तो यहां तक आई होप सारी बातें क्लियर थी। सर एक बात बताओ, अगर कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड है तो क्या करेंगे। मैंने कहा तुमको लॉज रेगुलेशंस तो आते नहीं है। हाँ सर नहीं आते। सो प्लीज टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, क्या हुआ किन हालातों में हुआ, कम ऑन, क्या हुआ किन हालातों में हुआ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर means the nature of the act and the circumstances in which it has occurred. उसके बाद तुम्हारा main goal क्या है, financial statements का audit करना।
तो चेक द इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लिए यू नीड टू डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये जो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे है, मतलब ये हमारे साथ कॉपरेट ही नहीं करते, ये हमारी सुनते ही नहीं है, तो हमको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी इफ वी फील दिस इंपैक्ट मे बी मटीरियल। अगर आपको लगता है इट मे बी मटीरियल तो आप लीगल एडवाइस लेके चलो, बट रिमेंबर अगर लीगल एडवाइस से भी एविडेंस ना मिले, अगर लीगल एडवाइस से भी एविडेंस ना मिले, इफ यू फील यू हैव नॉट स्टिल गॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, देन यू नीड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। मैंने कहा ठीक है, लास्ट में क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो अब आप मैनेजमेंट पे शक करोगे, बाकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाएगी और बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा आपको बिलीव कम रहेगा। नाउ कमिंग टू द रिपोर्टिंग पार्ट, सर इसमें कुछ नहीं था, मैंने वैसे भी कहा था रीड करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ रीड करना है तो क्या इसका मतलब ये कि इंपॉर्टेंट नहीं है? फटाफट बताओ, जब मैं बोलता हूं कि ये रीड करना है तो क्या इसका ये मतलब है ये इंपॉर्टेंट नहीं है? प्लीज टेल मी फास्ट, डज इट मीन दैट इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। हाँ कि देखिए पता कितने नलायक है। अपूर्वा कहती है कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दीपा मैं बता रहा हूं ना प्रतीक, नलायकों हर चीज का मतलब वो नहीं होता। भाई साहब रीड करने को बोला है तो रीड करना है। सर रीड करना है मतलब दिस पार्ट इज वेरी लॉजिकल, इसका तुम रट्टा नहीं भी लगाओगे, इसको तुम दिमाग में नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी कैसी बातें थी ना कि अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है तो मैनेजमेंट को बताओ, मैनेजमेंट के बाद टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, उसके बाद उनके आरडीएक्स को बताओ। तो ये सारी बातें बस आप रीड करके चलो ताकि अगर इन पे क्वेश्चन आए एटलीस्ट यू आर एबल टू डील विद इट, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। हाँ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो हाँ दो बार तीन बार रीड करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बैठता तो सुबह 5 बादाम खाया करो, अपने आप बैठने लग जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें कुछ नहीं था, अगर आपको लगता है नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल एंड मटेरियल है तो आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओ, बट अगर आपको लगता है उदय और मजनू मिले हुए तो आरडीएक्स को बताएंगे यानी ऑडिट कमेटी को, बट अगर आरडीएक्स भी इनके साथ मिला हुआ है तो फिर आप लीगल एडवाइस लो और आगे बढ़ो। सर एक बात बताओ, क्या हमको इसके ऑडिट रिपोर्ट में भी इंपैक्ट डालना है? मैंने कहा अगर ऑडिट एविडेंस मिल गया एंड मटेरियल इफेक्ट है, अगर ऑडिट एविडेंस मिल गया और मटेरियल इफेक्ट है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, अगर एविडेंस नहीं है मटेरियल इफेक्ट लग रहा है तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन। सर समझ में नहीं आ रहा तो फिर जो ठीक लगे वो कर सकते हो, लास्ट लाइन में यही लिखा है। अब एक बार बताओ क्या रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज को भी बताना पड़ता है? हाँ, अगर लॉज एंड रेगुलेशंस कहते हैं तो इनको भी बताना पड़ेगा। सर व्हाट वर द इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, टीवी चलाया और टीवी पे क्या रहता, सनसनी, जाम से देखिए इस आदमी को, ये एजेंट कैश पेमेंट लेके फरार हो गया। सर मतलब सबसे पहले तो एडवर्स मीडिया कमेंट, उसके बाद सर क्या हुआ था, एक एजेंट कैश पेमेंट लेके जा रहा था उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज गोइंग ऑन इन द कंपनी प्रेमाइसिस। फिर सर क्या था, एजेंट, जो एजेंट की फीस है वो हम काफी ज्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट। फिर आती है सर कैश पेमेंट, आपने कैश में एक्सेप्ट करी पेमेंट्स, आपने कैश में पेमेंट्स करी, आपने बियरर चेक्स में पेमेंट्स करी, तो जो भी इस तरह की पेमेंट्स है दीज आर इंडिकेटर कि आप लॉस का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। शिप का मतलब क्या था, अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स द लीगल एंड रिटेनरशिप फीस। देन कम्स द पॉइंट ऑफ टैक्स हेवन, सर टैक्स हेवन का मतलब था ट्रांजेक्शन विद द एंटिटीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन, वहां पे जो प्राइसेस है दे आर सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो द मार्केट प्राइस, तो फिर आपको क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा। सो अनस्पेसिफाइड पेमेंट्स और लोन्स टू द रिलेटेड पार्टीज, इंप्लॉइज, गवर्नमेंट इंप्लॉइज, इन सबके साथ आप लोन खेल रहे हो। फिर मैंने चाइल्ड लेबर वाली एक बात बताई थी, सर चाइल्ड लेबर वाला पॉइंट क्या था, अगर कोई चाइल्ड लेबर अपॉइंट कर रहा है फैक्ट्री में, दैट इज अ नॉन कंप्लायंस विद द चाइल्ड लेबर एक्ट। तो सबसे पहले तो आप ऐसे 250 का रेफरेंस देंगे कि हम डायरेक्ट इफेक्ट वालों के लिए एविडेंस लेते हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है अदर लॉज एंड रेगुलेशंस उनकी नॉन कंप्लायंस देखनी पड़ती है, क्योंकि उसका फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोविजन बनना पड़ता है। फिर आप देंगे सर फैक्ट्स ऑफ द केस और बोलेंगे जो पूरा डिस्क्लोजर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर नहीं है तो फिर यू नीड टू कंसिडर मॉडिफाइंग योर ओपिनियन एज पर एसए 705। तो यहां पे सर क्या हुआ था, यहां पे हमारा मोटा माटी एसए 250 रिवाइज हो गया था, फिर वी स्टार्टेड विद एसए 260। एसए 260 में जो भी बातें है ना मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड तक, इन सबको प्लीज अच्छे से बस रीड करके चलना। मेन जो चीज है इसमें वो है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट।
सर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट में हमारा फोकस होना चाहिए सबसे पहले तो, जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट करेंगे तो उसके मतलब की बात करेंगे। सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्वालिटी कहां से आती है? अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। बोलो मेरे साथ, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड डिस्क्लोजर, इससे हमारी अकाउंटिंग में क्वालिटी आती है। उसके मतलब की बात हो गई, अब अपनी दिक्कतें बताओ, दैट इज द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी कौन हेल्प करेगा? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करेगा? मैंने कहा हमारे देश का किसान। हमारे देश के किसान बैठ गए थे सर कहां, नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पे। सर वो विलिंग थे अनविलिंग थे? मैंने कहा अनविलिंग थे। तो सबसे पहले आएगा सर क्या? Unwillingness of the management to make or extend its going concern assessment. They put restrictions on the Noida border, restrictions imposed by the management on the auditor. जब restrictions हैं, तो क्या Ola Uber available है? मैंने कहा नहीं। Unavailability of Ola or Uber मतलब unavailability of information that the auditor is requesting from the management. अब क्योंकि वो unavailable है, तो हमको चल के जाना पड़ेगा। Extensive unexpected effort. बोलो मेरे साथ, extensive unexpected effort. बड़ी मेहनत लग रही है, बड़ा कष्ट लग रहा है, और जब तक पहुंचोगे तो काफी डिले हो जाएगा। सिग्निफिकेंट डिलेज बाय द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट। तो यहां हमारा मेन जो गोल था वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। मैंने कहा जब हम दोनों की बातें होगी तो मैनेजमेंट की बातें करते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड उनसे हमने क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है। अब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट इनके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड लास्ट में एक बात बता देना सर, क्या Any other significant matters, जो भी आपको लगता है सामने वाले को पता होने चाहिए। Then we discussed about a very, very important point, factors affecting the mode of communication. तो सर इसका आंसर बड़ा सिंपल था। मैनेजमेंट ने TCWG को ऑलरेडी कुछ कम्युनिकेट कर दिया है। Whether the management has previously communicated the matter, क्योंकि उसने कम्युनिकेट किया, TCWG की expectations बन गई है। TCWG की expectations बन गई, यानी expectation of the TCWG regarding the mode of communication. अब क्योंकि expectation बन गई तो उसको satisfy करना पड़ेगा। Sir, satisfy का क्या मतलब था? Whether the matter has been satisfactorily resolved. अब उसको satisfy करने के लिए हमने दी audit report. तो sir, audit report वाला point है कि whether matter will be included in the audit report as a key audit matter. Got it sir. और ये जो audit report है ये special होनी चाहिए, laws and regulations से comply करनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखनी है legal requirement and whether the auditor is also the auditor of special purpose financial statements along with the general purpose financial statements. यहां पे 260 की रिवीजन भी हो गई, 250 की रिवीजन भी हो गई, 12 मिनट भी हो गए, गुड मॉर्निंग भी हो गया।